कभी-कभी सोचता हूं कि इस घर में मैं ज्यादा जरूरी हूं या नेट प्लस का इंटरनेट। चलो देखते हैं। मैं जा रहा हूं। वाईफाई बंद करने। देखा, अब ऐसा तो होएगा ही ना, क्योंकि नेट प्लस के इंटरनेट से घर जो चलता है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस, तो किसी की फ्री टाइम में गेमिंग, किसी का 4K में सीरियल और किसी का 24/7 क्रिकेट, किसी का घर से बिजनेस, तो किसी की डांस की लाइव स्ट्रीमिंग, इनकी मास्टर शेफ कुकिंग और इनका तो खाना पीना नहाना सब वीडियो के साथ, और वीडियो नेट प्लस के साथ। इंटरनेट चलता नहीं, तोड़ता है, ताकि सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और हुए नो झगड़ा, और प्राइसिंग ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। नेट प्लस की सर्विस भी है सुपर फास्ट, क्योंकि भाई नेट प्लस है हर घर के लिए खास। आप भी लगो, क्योंकि हर घर के लिए नेट प्लस जरूरी है। ਹੋਸਪਿਟਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਧ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜੀ ਲੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਮੰਜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਇੱਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ 7-8, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਨਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ।
कुल मिला के ला लो भी इतने 1000 बंदे के करीब होगा। शहर वासियों को वधिया मैसेज है जी, जिवें संडे की छुट्टी होंगी है जी, तो इतने इंजॉय करने लिए वधिया वा। तो हुण तुहानू पता गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के वधिया इंजॉय। भाजी असीं नवां पिंड तो आए हैं जी, बहुत नज़ारे है जी इतने। हाँ जी बहुत वधिया, फैमिली के नाल आए हैं जी, बहुत मज़ा नज़ारा, पूरा शांत माहौल रखो, इंजॉय करो अपना। हाँ इंजॉय करो फैमिली नाल। सन सिटी अमृतसर आए हुए हैं, ठीक है, बहुत वधिया लगा इतने आ गए, क्योंकि गर्मियों में बहुत वधिया एक नंबर माहौल आ, मैना पूरा इंजॉय आता इतने, आओ जरूर वो तो बाद विजिट करो, मैना बहुत घैंट है। हर साल की तरह इस बार फिर सन सिटी खुल गया है, वाटर पार्क के रश तुम वेखते पे हो और उम्मीद असं करते पे हाँ, और जिम्मे कि इतने मैनेजमेंट ध्यान रख रही है वाटर पार्क का, असं होर चाहते हैं कि होर कस्टमर्स और गाहक जोड़े है वो इतने आन। लोकल से तो अट्रैक्शन है ही है, टूरिस्ट की भी बहुत वधिया अट्रैक्शन हैगी है। जिस तरह का मौसम बढ़ता पै, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, पानी वह घाट हैगी और पानी नू लोग पसंद करते हैं, खासकर सन सिटी वाटर पार्क आके। उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह रश चल रहा है और हर रोज़ इस तरह ही रश मिले, ताकि जिन्ना लोग खुश होंगे इतने आके होर उन्होंने खुशी मिले। कैमरा परसन विजय नाल जेपी सिंह, फास्ट न्यूज अमृतसर। बीते कुछ दिनों तो अमृतसर पुलिस वालों लोगों को ट्रैफिक नियमों बारे जागरूक करने लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत ट्रैफिक नियमों की उलंघना करने वालों के वड्डी गिनती विच चलान कटे जा रहे हैं, वड्डी गिनती विच लोग चलान भुगतान लिए RTA दफ्तर पुछ रहे हैं। RTA दफ्तर विखे लोगों की भारी भीड़ चलाना के भुगतान लिए देखी जा रही है, जिस कारण लोगों को काफ़ी समा लग जाता है। फास्ट न्यूज टीम ने इस बारे सैकटरी RTA अर्शदीप सिंह लुभाना गलबात की, तो उन्होंने आख्या कि वड्डी गिनती विच चलान होने कारण भीड़ बढ़ गई है, इसलिए दफ्तर विच चलान का भुगतान लैन वाले स्टाफ विच वादा किया गया। उन्होंने लोगों नू अपील की कि वह चलान के भुगतान लिए उसे दिन RTA दफ्तर आन, जिस दिन की तारीख चलान से पाई गई है, ता जो भीड़ तो बचा जा सके अते समा भी घट लगे। जिवें कि तुसीं आप ही दस्सिया कि इहदे विच मैन पावर की थोड़ी बहुत शॉर्टेज रहिंदी है, ये कितने ना कि देखो ट्रैफिक का नो डाउट जो स्पैशल अभियान चल रहा तो चलानिंग जी ज़्यादा हो रही है। हूँ ऑफ लेट RTA ऑफिस के नाल जो चलानस है, मेरी SP ट्रैफिक ना गल हुई ही, उन्होंने कुछ चलान जोड़े CGM कोर्ट के भी भेजने शुरू करते, ताकि दो जगह पर जो वंडे जाएंगे तो कंपाउंडिंग जी है वो जल्दी हो जाएगी, समा घट लगेगा। वो कुछ एक दो छोटे छोटे इशूज़ ने, कई बार चलान टाइम सिर साढ़े को इतने पहुँच भी नहीं पाते, उत्थे नैप कोर्ट के लैवल से या कितना कितने पेंडिंग रह जाते और आन के दिक्कत किसी वेले आ जाती, वो इशू असी काफ़ी हद तक जो रिजोल्व कर लिया। SP ट्रैफिक ना मेरी गल हुई ये बाबत, और दूसरा ये असी कोशिश कर रहे हैं कि जे एडिशनली भी असी ये ऑनलाइन जरा पेमेंट का ही सिस्टम शुरू कर दिए, वो गवर्नमेंट जी इस पासे भी देख रही है कि ऑनलाइन जी बंदा घर बैठा ही जरा अपनी, क्योंकि चलान ही है चलान भुगतना, घर बैठा जो भुगत जाएगा तो उन्ना टाइम उन्होंने लाइन च लगे रहन का या उतो रसीद कटा का उन्ना समा नहीं वह वेस्ट नहीं होएगा, तो वह सीधा जरा ऑफिस चो आ के डॉक्यूमेंट लै जाएगा अपनी रसीद दिखा के कि मैं ऑलरेडी मैं फिल कर चुके हैं, तो अपनी रसीद दिखा के। तो ये वाल गवर्नमेंट जी है वो चल रही है, एनफोर्समेंट एडिशनल से साढ़े STC साहब ने सुखविंदर कुमार जी, उन्होंने भी मेरी गल हुई सी, जिहड़े भी आते देखो जी, एक असी बाहर ना वो लगाया होंगे पब्लिक नोटिस कि इन्नी तरीक तक के चलान सानू रिसीव हो चुके हैं। मान लो कि अज जे असी कही 16 जून है, तो 16 जून है, मान लो कि सानू ट्रैफिक ने जोड़े चलान किए 10 जून तक के साढ़े को रिसीव हो चुके हैं, तो जोड़े बंद का 11 जून 12 जून 13 जून है, वह बंदे जो लाइन च लगे रहने बाद उन्होंने पता लगेगा कि चलान अजे तक ट्रैफिक वालों सानू RTA ऑफिस के रिसीव ही नहीं होए, तो वास्ते अं बाहर नोटिस बोर्ड लगाया हों कि ये वाले बंदे जिन्हें इन्नी इन्नी तरीक न चलान होए है, इंसीडेंस इन्नी तरीक न होया चलान का, वो कृपा करके जोड़े है वो अजे ना आन, क्योंकि अजे तक जोड़े चलान रिसीव होए उ कंपाउंड हो सकते। और ये अं भी कर लीदा कि जिमें डेट्स ट्रैफिक ने पाई होंगे, हूँ असी एक होर चेंज की है, ट्रैफिक ने डेट पाई होंगी है कि फलानी तरीक न जाके तो अपनी कंपाउंडिंग करवा सकते RTA ऑफिस, सो असी डेट वाइज जोड़े अलग अलग डेटा के वो क्ड के रख लीजिए, ताकि जिनी तरीक न बंदा आया जे सेम डे ही आए तो नाल ही वो चलान पहले ही क्ढे होंगे है, नाल ही उन्होंने जोड़े है रसीद कट के उन्होंने जोड़ा डॉक्यूमेंट वापस कर दिता जाता। सो मेरी पब्लिक में ये अपील है कि कोशिश की जाए जिनी तरीक न उन्होंने हाज़र होने वास्ते ऑफिस के गया ट्रैफिक पुलिस ने जिनी तरीक वास्ते मार्क किया 19 तरीक ही उत्थे आउण। अमृतसर पुलिस वालों बीते कुछ दिनों तो अमृतसर लोगों नू ट्रैफिक नियमों तो जागरूक करने लई एक वड्डी मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत जिहड़े लोग
कानून की उलंघना करते हैं या जो लोग ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते उन्होंने वही गिनती चलान कट्टे जा रहे हैं। सो वही गिनती जेकर चलान कट्टे जा रहे हैं तो लोग वही गिनती इन्ह चलानों भुगतान लिए RTA दफ्तर जा रहे हैं जिस कारण लोगों को कुछ मुश्किल हो रही। सो जब असी इस बारे सैकटरी RTA अर्शदीप सिंह लुबाना होर गल की तो उन्होंने सब तो पहले लोगों ने अपील की है कि जेडे डेट चलान के उपर है भरन की उस ही दिन आया जाए चलान भरन ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। उन्होंने आखिया कि कई लोग बिना तरीक देख के चलान भरन आते हैं जिसके कारण उन्होंने काफ़ी समा लगता है और चलान उस नहीं भुगता जाता। सो उन्हें यह भी आख्या कि सरकार नाल यह भी गल की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि चलान ऑनलाइन भी भुगता जा सके। सो उन्हें यह भी आख्या है कि मैन पावर की जेकर कोई कमी है तो मैन पावर भी वधाई गई है। सो उन्हें यह आख्या कि यह यकीनी बनाया जाएगा कि चलान भरन जो लोग आते हैं उन्होंने कोई मुश्किल ना हो। कैमरामैन नरेश कुमार संदीप सियाल फास्ट न्यूज़ अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की योग अगुवाई वाली सूबा सरकार आम लोगों की भलाई वक् वक् विभागों द्वारा चलाई जा रही लोग भलाई स्कीम आम लोगों तक पहुँचाने लिए वचनबद्ध से यतनशील है। यह प्रगटावा बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने तरसिका खब्बे राजपूता विखे दो नवे हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर्स का नींव पत्थर रखन मौके किया। उन्होंने कहा कि सेहत और सिक्ख्या मनुख दियां मुढ़लियां लोड़ां विच सब तो अहम ते उत्तम हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई हेठ साडी सरकार इन्हां खेतरां विच सब तो वध ध्यान दे रही है। श्री हनुमान सेवा परिवार ट्रस्ट के एक वफद ने सांसद गुरजीत सिंह औजला नाल मुलाकात की थी। 1 जुलाई को श्री हनुमान धाम के हॉल के लेंटर पान के समागम में हिस्सा लेने सद्दा दिता। मुख्य संरक्षक SK वधवा, अनिल मेहरा, अनुज सिक्का, आदेश मेहरा, सुरेंद्र अरोड़ा भी मौजूद सन। पुलिस थाना जंडियाला गुरु ने दो नौजवानों को गिरफ्तार करके इन्हों पासों 250 ग्राम हीरोइन बरामद की है। हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए दसी जा रही है। गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों को अगे पूछगिछ की जा रही है। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਆਪਣੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ SPD ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਡਨ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 5 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਜੀ ਕਰੀਬ ਇਹ 5 ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੋਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। Yes, yes.
जी का बलिदान दिवस रानी चांसी सोशल सोसायटी अमृतसर वालों संरक्षक प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला की अगुवाई हेठ मनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई नूं शरदा दे फुल पेंट किए गए। प्रधान पवन कुंद्रा, राकेश शर्मा, माला चावला, विपिन कुमार अते प्रोफेसर ललित समेत कई लोग मौजूद सन। 18 जून 1858 को महारानी झांसी 1857 की क्रांति की नेता, वह अंग्रेजों से जूझती हुई आज के दिन शहीद हुई थी। वैसे उसका शहादत का दिन 18 जून है, जिसे हम अपने विद्यार्थियों के साथ आज 17 जून को मना रहे हैं। रानी झांसी 22.5 साल की उम्र में शहीद हो गई। उसके लिए कहा जाता है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। और भला हो, हम प्रणाम करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, जिन्होंने रानी झांसी पर कविता लिखकर पूरी दुनिया को अपनी रानी झांसी का संदेश दे दिया। जेड़े शहीद सानू भी नहीं पता, कोई यहो जहा शहीद नहीं जिंद इतने चित्र नहीं लगा आ ला का मतलब कि इतने जो बच्चिया सीखन आदि सिलाई या ब्यूटी पार्लर उन्होंने चित्र ला का मतलब है बच्चों ये बारे पता लगे। फास्टवेदा फिल्मी चैनल नंबर 240, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241, फास्टवे मेट्रो चैनल नंबर 242, फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243, गुरुद्वारा श्रीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, श्री दुर्गयाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 और शाम को सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 किया जाता है। फास्टवे के लोकल चैनल से एडवर्टीजमेंट देने लिए फोन नंबर 700-930-8833 से संपर्क किया जा सकता है। असी अपने चैनल से शहर में डिगदे दरखत और डिगन की हालत में सुके दरख्तों बारे कई बार दसिया है। प्रशासन वालों कोई एक्शन नहीं लिया गया और हादसे का इंतजार है। माल रोड विखे पासपोर्ट ऑफिस तो कचहरी वाल जाद्या एक दरखत डिगा है, जिस सुध-बुध प्रशासन नहीं लै रहा। यह एक सुका दरखत सी, शहर में इस तरह के कई होर दरखत हादसे का कारण बन सकते हैं। हुण समा हो गया एक छोटे जे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी वालों लगाया गया खूनदान कैंप। ए ते कुछ होर खबरां एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. Tujhe dekha hua pagal, pagal, body body just a bottle, bottle. Passa chane ja, ban meri Yamaha. Let me hit the throttle. Let me make you move.
कभी कभी सोचता हूँ कि इस घर में मैं ज्यादा जरूरी हूँ या नेट प्लस का इंटरनेट। चलो देखते हैं, मैं जा रहा हूं। वाईफाई बंद करने। देखा, अब ऐसा तो होएगा ही ना, क्योंकि नेट प्लस के इंटरनेट से घर जो चलता है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस तो किसी की फ्री टाइम में गेमिंग, किसी का 4K में सीरियल और किसी का 24/7 क्रिकेट, किसी का घर से बिजनेस तो किसी की डांस की लाइव स्ट्रीमिंग, इनकी मास्टर शेफ कुकिंग और इनका तो खाना पीना नहाना सब वीडियो के साथ, और वीडियो नेट प्लस के साथ। इंटरनेट चलता नहीं तोड़ता है, ताकि सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और हुए नो झगड़ा, और प्राइसिंग ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। नेट प्लस की सर्विस भी है सुपर फास्ट, क्योंकि भाई नेट प्लस है हर घर के लिए खास। आप भी लगो, क्योंकि हर घर के लिए नेट प्लस जरूरी है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मिति 18 जून 2023 नु अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी वलो खूनदान कैंप गुरु नानक देव हॉस्पिटल दे ब्लड बैंक विखे लगाया गया। ए कैंप खास तौर ते थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चियां नु ध्यान विच रख के लगाया गया। पेरेंट्स अते वॉलंटरी डोनर्स ने वध चढ़ के हिस्सा लिया अते काफी यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। इस मौके ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर विवेक खन्ना, डॉक्टर नीरज शर्मा, सोसाइटी प्रधान सतनाम सिंह, मीत प्रधान रजविंदर सिंह, सकत्तर नरेंद्र महाजन, जनरल सकत्तर अजय पल्ला, संगीता शर्मा अते सिमरनजीत सिंह मौजूद सन। असी अज अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी तो सतनाम सिंह, नरेंद्र महाजन जी ते रजिंदर जी, आप इतने अज वर्ल्ड ब्लड डे अही ब्लड डे जड़ा अही खूनदान कैंप इतने लाया, जेडे कि साढ़े को अमृतसर 170 बच्चे ने, 170 बच्चों की देख रेख, ब्लड की शोर्टेज, जून के महीने च अत की गर्मी होन करके खून की इन्नी क शोर्टेज है कि ब्लड बैंक खून दो सुक गए ने, ते अही नहीं चाहते कि कोई भी थैलेसीमिया बच्चा किसी दर ते जावे, ते मैनू ब्लड की बहुत लोड़ है, अही उस लोड़ की पूर्ति नू पूरा करन वास्ते अही इत्थे ब्लड डे अही मना रहे हैं। थैलेसीमिया जड़ा हर अही कह रहे हैं कि नौजवान नू कि तुसी जड़ा व्याह तो पहला एक कैरियर ते दूसरा कैरियर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिरना अही थैलेसीमिया की जाँच तो सानू पता लगे कि ये बच्चा थैलेसीमिया से नहीं है। अही हर नौजवान नू एहो ही अपील करना चाहते हैं कि व्याह तो पहला एक HPV टेस्ट आ, HBA2 टेस्ट आ जिहड़ा अही जरूर कराइए कि सानू जिहड़ा पता लगे कि अही थैलेसीमिया कैरियर ते नहीं, ते अही हर नौजवान नू एहो ही बेनती करना चाहते हैं ते अही कहना आण के इत्थे ब्लड डोनेट करिए थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया की रोग नू अही रोकया जा सके। लगातार ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं अमृतसर में ताकि थैलेसीमिया पेशेंट जोड़े है उन्होंने वास्ते वध तो वध ब्लड इकट्ठा हो सके। वधिया उपराला है सारी सोसायटीज़ वालों और जिन्हें ब्लड कैंप्स है उन्होंने असं भी अपील करते हैं कि जिन्ने ज़्यादा ब्लड कैंप्स है होल्ड करन ताकि थैलेसीमिया पेशेंट्स वास्ते जो ब्लड इकट्ठा होना है वो टाइमली हो जाए। ब्लड डोनेशन सारे करते हैं, महादान है खूनदान असं लगातार कहते हैं, और बहुत लोग ब्लड डोनेट भी करते हैं ऐसे थीम नू लैके अगे, लेकिन सोचिए असं इस चीज़ को जोड़े बच्चे ने छोटे छोटे बच्चे अफेक्टेड ने थैलेसीमिया तो वध खूनदान असी करिए ताकि वो खून उन्होंने काम आ सके। कैमरा पर्सन विजय नाल जेपी सिंह, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सकत्र तरुण चुग के दफ्तर विखे आयोजित मीटिंग दौरान पार्टी नेतावान अते वर्करा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात विच उना दे विचार सुने। बीजेपी नेता राजेश मेहता, सरबजीत सिंह शंटी, लविंदर बंटी, शिव कुमार, रमन दुआ अते हेमंत पिंकी समेत कई नेता वर्कर्स मौजूद सन। अज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी के कार्यालय लोहरी गेट विखे हर महीने की तरह मन की बात का कार्यक्रम किया गया जी, और हर महीने असी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दी जिहड़ियां उपलब्धियां ने जिहड़ा वो संबोधन करते हैं वो जाके असी लोगों के दसते हाँ भी ये संबोधन प्रधानमंत्री जी ने किया। अज जो प्रधानमंत्री जी ने एक 9 साल के उत्ते जो जो भी किया, जिन्हें भी टीम वर्क
कार्यकर्ता हैगे है वो सारे घर घर जाके 9 साल दियाँ भाजपा दियाँ उपलब्धियाँ जो भी कीतियाँ वो गिनाइया जाएगियाँ ते जड़े काम कीते है वो दसे जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल बादल वालों वार्ड नंबर 22 विखे मोहल्ला सुधार वेलफेयर सोसायटी के प्रधान रमन मल्होत्रा की देख रेख विच गलियां दे बाहर नंबर प्लेटां लगान दे काम दी शुरुआत कीती गई। साबका चेयरमैन गुरप्रीत सिंह रंधावा अते माता आरती देवा जी उचे चेतौर ते मौजूद सन। अशोक महाजन, अशोक शर्मा, जगमोहन शर्मा, केवल कृष्ण अते अजय समेत कई लोग मौजूद सन। बहुत वड्डी लोकां दी इत्थों दी मंग आ ਵੀ ਹੰਸਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕਣ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕਿਓਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੱਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੰਜ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਖੋਸਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਬਸ ਹੈਪੀ ਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਝ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਗਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਖੱਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ, ਸੁਨੀਲ ਖੰਨਾ, ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਤਥਾ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ और हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन जो है वो यहाँ पर हमने कंपनी बाग में किया है, जहाँ पर कि बहुत सारे टेस्ट भी हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का है, थायराइड का है, TSH है, शुगर है, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है वो कवर की हैं, और बोन की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल सबको होती हैं उनको भी जो है वो कवर किया गया है। श्री दुर्गियाना तीर्थ दे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर विखे श्री हनुमान चालीसा परिवार वालों श्री हनुमान चालीसा दे पाठ कीते गए। हनुमान मंदिर दे चेयरमैन राकेश शर्मा, सूरज बब्बर, मोहित बब्बर, अंशुल वाही भी मौजूद सन। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम नवाकोट गली नंबर 13 विखे महात्मा श्री अमर गोपाल आनंद की अगुवाई हेठ भंडारा कीता गया ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਰਮਨ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਵੇਸਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੋਤਰ ਮੋਦਕਲ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦਵੇਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਨੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਵੇਸਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਵੇਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਟ ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜੋ
सरब धरम लंगर सेवा सोसाइटी मजीठा रोड वालों मस्या दे मौके महीनावार लंगर मजीठा रोड विखे लगा गया। इस मौके यशपाल खन्ना, देस राज सोई, किरपाल सिंह, संजीव कुमार, बचन लाल समेत वड्डी गिनती विच संगता ने हाजरी भरी। मंदिर श्री बाबा बालक नाथ जी का सालाना मेला हर साल की तरह इस साल भी बड़ी श्रद्धा से धूमधाम नाल हरिपुरा गली नंबर 10 विखे बाबा बसन जी की अगुवाई हेठ मनाया गया। इस मौके बाबा जी की चादर चढ़ाई गई और बाबा जी की महिमा का गुणगान किया गया। इस मौके मुख सेवादार सेवा राम जी, बाबा टीटू शाह जी, सरवन, सिकंदर, नीता समेत वड्डी गिनती विच संगतां मौजूद सन और लंगर का खास प्रबंध किया गया। बख्श नगर विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना मेला बाबा दमदमा साहिब जी का बाबा अंकित जी की अगुवाई हेठ मनाया गया। इस मौके पवन सैनी, साबका कौंसलर सरबजीत सिंह लाठी समेत वड्डी गिनती विच संगता मौजूद सन और लंगर का खास प्रबंध किया गया। ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਟੀ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਟੀਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਭਾਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਸੋਚਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੂੰ ਯਾਰ। ਨੈੱਟ ਪਲੱਸ ਕਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲੋ देखते हैं। मैं जा रहा हूं। वाईफाई बंद करने। देखा, अब ऐसा तो होएगा ही ना, क्योंकि नेट प्लस के इंटरनेट से घर जो चलता है, किसी की ऑनलाइन क्लासेस तो किसी की फ्री टाइम में गेमिंग, किसी का 4K में सीरियल और किसी का 24/7 क्रिकेट, किसी का घर से बिजनेस तो किसी की डांस की लाइव स्ट्रीमिंग, इनकी मास्टर शेफ कुकिंग और इनका तो खाना पीना नहाना सब वीडियो के साथ, और वीडियो नेट प्लस के साथ। इंटरनेट चलता नहीं, तोड़ता है, ताकि सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और हुए नो झगड़ा, और प्राइसिंग ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। नेट प्लस की सर्विस भी है सुपर फास्ट, क्योंकि भाई नेट प्लस है हर घर के लिए खास। आप भी लगो, क्योंकि हर घर के लिए नेट प्लस जरूरी है।